हेलो एवरीवन, मैं अरविंद झनू, क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में बात करूंगा आपसे राजस्थान प्रदेश में कब से खुलेंगे स्कूल, और स्कूल खुलने को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट है जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो पेशेंस बना के वीडियो को एंड तक देखना है, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान प्रदेश में पिछले 3 दिन से मुख्यमंत्री स्तर पर मीटिंग चल रही है, और उस मीटिंग में स्कूल खुलने को लेकर चर्चा चल रही है, जिसके अंदर उस मीटिंग के अंदर सभी शिक्षा मंत्री और चिकित्सा अधिकारी शामिल थे। और हर तरह की जो पॉइंट ऑफ व्यू उस पर चर्चा की जा रही है कि सभी बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखा जाए, उनकी सिलेबस समय पर कंप्लीट हो जाए, उनकी बोर्ड क्लासेस जो हैं उनकी पढ़ाई जल्दी स्टार्ट हो, तो सभी पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है कि जो स्कूल हैं वो 3 चरणों में खोली जाएंगी। राजस्थान प्रदेश में स्कूल 3 चरणों में खोली जाएंगी, और शिक्षा विभाग ने CMHO को ये बोल दिया है कि 3 चरणों में आप स्कूल खोल सकते हैं। फाइनल जो मंजूरी है वो मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत की होगी। अभी भी इंतजार है, 3 दिन से मीटिंग हो रही है लेकिन अभी भी इंतजार है फाइनल मोहर लगने का। बट यहां पर जो है साफ हो गया है कि 3 चरणों में स्कूल खुलेंगी। अगर मैं पहले चरण की बात करूं तो पहले चरण में कक्षा 10वीं और 12वीं जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, या हम बोल सकते हैं एक तरह से बोर्ड क्लासेज हैं, तो बोर्ड क्लासेज की जो पढ़ाई है वो यहां पर आपकी 2 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। तो जो बोर्ड परीक्षार्थी हैं वो तैयार हो जाएं पढ़ने के लिए, उनके लिए स्कूल खुलने वाली है, 2 नवंबर से उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। वहीं अगर मैं बात करूं सेकंड चरण की, तो सेकंड चरण में क्लास 6 से लेकर 11 तक की जो है पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, यानी कक्षा 6 से लेकर 11वीं तक की जो पढ़ाई है वो ओपन हो जाएंगी, उनकी क्लासेस लगने लगेंगी और वो भी स्कूल में जा पाएंगे 1 दिसंबर से। वहीं अगर मैं बात करूं 1 जनवरी से, जो तीसरा चरण है उसके अंदर जो हमारी छोटी क्लासेज हैं, यानी जो प्राइमरी क्लासेज हैं क्लास 1 से लेकर 5 तक, वो भी बच्चे जा सकेंगे पढ़ने के लिए। तो 3 चरणों के अंदर जो है स्कूल खोलने की रणनीति तैयार कर ली है। फाइनली 1-2 दिन में अंतिम जो है मोहर लग जाएगी। श्रीमान अशोक गहलोत जो हमारे राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा अंतिम फैसला ले लिया जाएगा कि स्कूल 3 चरणों में खोल दी जाए। शिक्षा विभाग ने बोल दिया है कि 3 चरणों का ये पूरा फॉर्मेट बनाया है जिसमें छुट्टियां भी कम होंगी। बहुत स्पेशल बात है ये, क्योंकि जो है लंबे समय अंतराल के बाद स्कूल खोलने को लेकर तैयारी करी है सरकार ने भी, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी पाठ्यक्रम तैयार कर लिया है। तो वो जो पाठ्यक्रम है वो समय पर हो जाए, जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है वो समय पर हो जाए, बोर्ड क्लासेस का या जो नॉन बोर्ड क्लासेस हैं उनका भी, जो एग्जाम है आपकी, जो डेडलाइन है उससे पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए, इसलिए छुट्टियां कम रहेंगी। जो छुट्टियां होती हैं जैसे दिवाली की छुट्टी, ग्रीष्मकालीन की छुट्टी या शीतकालीन की छुट्टी, ये जो छुट्टियां होती हैं छोटी मोटी, ये सभी छुट्टियां जो है कम करी जाएंगी, जिससे कि प्रॉपर तरीके से कंप्लीट सिलेबस हो पाए बचे हुए दिनों में। जो वर्किंग डे समथिंग 156 वर्किंग डे बचे हुए हैं जिनमें क्लासेस चलने वाली हैं, तो बोर्ड क्लासेस की पढ़ाई बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। 2 नवंबर से तैयार हो जाएं आप, 2 नवंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी फाइनली। वहीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करूं तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्लास 9th, 10th, 11th, 12th 4 क्लासों का जो है यहाँ पर सिलेबस डाल दिया है। आप ऑफिशियली वेबसाइट से सिलेबस देख सकते हैं, मैंने भी चैनल पे वीडियो डाल दिए हैं, आप वीडियो देख सकते हैं और सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम जेन्युइन क्लासेस का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है, वहाँ पर आप मुझे फॉलो करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर RBSE बोर्ड, स्कूल खुलने को लेकर और सभी एजुकेशनल अपडेट सबसे पहले मैं आप तक पहुँचाता हूँ। तो फाइनली राजस्थान प्रदेश में स्कूल की घंटी बजेगी, 2 नवंबर से आपकी स्कूल खुल रही हैं, और शायद आज या 1-2 दिन में अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। वैसे 99% श्योर है कि आपका जो है यहां पर स्कूल ओपन हो रहे हैं। 2 नवंबर से बोर्ड क्लासेस तैयार हो जाएं, क्लास 10th और क्लास 12th, उसके बाद में क्लास 6 से लेकर 11th तक, और उसके बाद में प्राइमरी क्लासों की भी स्कूल खुल जाएगी। स्कूल खुलने को लेकर जो मीटिंग जो हुई थी उसके अंदर चिकित्सा अधिकारी भी शामिल थे, उनको इसलिए शामिल किया गया क्योंकि एक SOP तैयार की जाएगी सभी बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए, स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला लिया जाएगा कि किस तरह से कितने चरणों में स्कूल खोली जाए। तो वो तो ले ही लिया है, क्योंकि इसलिए बुलाया था उनको चिकित्सा अधिकारियों को, स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों का, क्योंकि अगर हेल्थ सही रहेगी तो वो पढ़ पाएंगे, रेगुलर स्कूल जा पाएंगे, और जो COVID-19 का है वो भी खतरा कम हो। तो बहुत सारी सेफ्टियों का, गाइडलाइंस का ध्यान में रखा जाएगा। तो बहुत बड़ी खुशखबरी हम सभी के लिए कि बोर्ड क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो फाइनली 2 नवंबर से आपकी स्कूल खुल जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।